यमुनानगर में 2 अप्रैल को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होने वाला है। इसी को लेकर जहां 2 दिन तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान दौरे पर रहे, वहीं हरियाणा के एकमात्र विपक्षी सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी यमुनानगर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दौरा किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन त्यागी के निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का 14 अप्रैल को सोनीपत में समापन होगा। वहीं विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार लोगों की आवाज को लाठी से दबाने का प्रयास करती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, वह उनके मुद्दों को लेकर आए। इसी को लेकर विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम रखा गया है। जनसभा के मुख्य अतिथि मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर राज्यसभा, पूर्व मेंबर पार्लियामेंट श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, मैं उनका यहाँ पर आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनके साथ आए हुए बहुत ही कर्मठ और जुझारू विधायक डॉक्टर बीएल सैनी जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व मंत्री डॉक्टर अपने सुभाष चौधरी जी, वो भी स्वागत करता हूँ मैं उनका भी। और हमारे पूर्व डॉक्टर राजन जी, पूर्व मंत्री जी के बेटे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राशन डिपो वाले जी सर, आपने कांग्रेस नहीं, कांग्रेस एक है जो सरकार ऐसा लगता है ढूंढती है कि ये वर्ग अभी तक सड़क पे नहीं आया, ये राशन डिपो वाले सड़क पे नहीं आए, इनका भी धरना दिलवाओ सर अभी। तो ये इन मुद्दों को लेकर क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री जी ने यही से घोषणा की है कि लोकसभा और विधानसभा 2024 की तैयारी कर लो। तो ये जो अमित शाह जी ने जो कहा वो प्रतीक इस बात का है कि उनका ये आकलन है बीजेपी हाईकमांड का कि हरियाणा सरकार स्वयं अकेले चुनाव का सामना करने में सक्षम नहीं है, उनकी उनके कोई इस प्रकार की कार्यशैली या लोकप्रियता नहीं है। तभी जब केंद्रीय गृह मंत्री जो आए 1.5 दिन के अपने कार्यक्रम के बाद, वो ये कह के गए, स्पष्ट होता है इस बात से, ये हमारी नैतिक जीत, हम इसको मानते हैं। इसमें ये जो है, मैं समझता हूँ हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस एकजुट है, आपके सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, एक कांग्रेस एकजुट है। प्रदेश में जो है आज लोग परिवर्तन, भाजपा की सरकार से त्रस्त हैं, हर वर्ग त्रस्त है और बदलाव प्रदेश में लाना चाहते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ एक सकारात्मक, एक आशा की नज़र से हरियाणा प्रदेश लोग देख रहे हैं। नंबरदार सरकार, असंवेदनशील सरकार है, कोई ऐसा वर्ग नहीं जो सड़क पर, सरकार जिसको आज सड़क पर आना ना पड़ा हो, मेरे ख्याल पत्रकार ही रह रहे हैं। जल्दी जल्दी कहीं आपको आज एक और कर दिया जी, कर दिया जी, गिरफ्तार कर, हमें एक और, आज हमें एक और वर्ग मिला, राशन डिपो, राशन डिपो की 7 साल पुराने, राशन डिपो को रिटायर करने की उम्र सरकार ने डिक्लेयर कर दी है 58 साल। जल्दी ही एक शॉपकीपर को और किसान को भी रिटायर करने की उम्र, ये ऐसा लगता है सरकार लाने की सोच रही है। क्योंकि राशन डिपो की क्या अन्याय है, राशन डिपो एक सरकारी एजेंसी के रूप में एक वो, हाँ 58 साल की रिटायर होने की आयु का क्या अर्थ है, ये वो भी धरने पे बैठने की तैयारी नहीं है। तो सरपंचों का मामला तो आपके सामने है, ये भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसमें सरकार ये कह रही है कि भ्रष्टाचार की वजह से हमने किया और ई टेंडरिंग भ्रष्टाचार का उत्तर है। ये भ्रष्टाचार को केंद्रीकरण करने का इन्होंने किया है। ई टेंडरिंग में जो पिछले समय जब सरपंचों का चुनाव नहीं हुआ था, इतने समय से काम चल रहा था, तो ई टेंडरिंग से पहले तो काम नहीं करा रहे थे और जो काम करा रहे थे वो अधिकारी और ठेकेदार मिलके, आपके पास हम रिपोर्ट लेके आए, वो जो एक पूरा रिकॉर्ड लेके आएंगे, हमारे एक साथी ने आज उसको एकत्रित करने का काम किया है कि जब ये ई टेंडरिंग की विंडो खुलती है उसके 1 घंटे में बंद कर देते हैं। कौन वो ठेकेदार है जो बैठ के उसके साथ बैठता है कि भाई जो है ई टेंडरिंग की विंडो खुल के और वो तभी बैठने का काम करते हैं, कौन कौन वो ठेकेदार है? ये क्या, ये जो है भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण करने के लिए सरकार ये इस प्रकार की बात कर रही है। सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई करे उन सरपंचों पे जो बेईमानी के रास्ते चलते हैं, जनता भी करेगी कार्रवाई समय आने पे उनकी बोझ की चोट से, और सरकार भी उन पे निगरानी रखे, कार्रवाई करे, लेकिन उनको अधिकारहीन करके, अधिकार उनके छीन कर और ई टेंडरिंग का नाम लेकर
और भ्रष्टाचार को केंद्रीकरण करने का अपने अंजाम देने का काम की जो सरकार की जो साजिश है, ये साजिश हरियाणा में ये कामयाब नहीं होगी। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपको जान के हैरानी होगी कि जैसे बेरोजगारी में प्रदेश देश में नंबर एक है, ऐसे ही अब एक और चीज में नंबर एक पहुंच गया, कर्जे में। आजादी से लेकर और 2014 तक टोटल हरियाणा पे 70,000 करोड़ का कर्जा, पिछले वर्ष हरियाणा पे 84,000 करोड़ का, एक साल में 84,000 करोड़ का कर्जा बढ़ गया, 3,00,000 करोड़ का के लगभग का कर्जा हरियाणा प्रदेश की जनता पे आज पहुंच गया। विकास कार्य कुछ हुआ नहीं, सरकार बताए कितने थर्मल कारखाने लगे, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, कितनी कोई बड़ी योजना आई, क्या मेट्रो आई, क्या रेल की लाइन कहीं बिछाई गई, विकास कार्य कुछ हुए नहीं। ये जो टोल रोड है ये सारे भारत सरकार के, प्रदेश सरकार के कोई नहीं, विकास कार्य प्रदेश में एक भी बता दें, प्रदेश सरकार की कोई सड़क कोई उन्होंने बनाई हो, तो विकास कार्य कुछ हुए नहीं। हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, बड़े बड़े ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं आपको जिसमें जिन मामलों में भ्रष्टाचार की वजह से प्रदेश पे आज इतना भारी कर्जा चल रहा है, शराब घोटाले से लेकर, रजिस्ट्री घोटाले से लेकर, माइनिंग घोटाले से लेकर, आप सबका सब आपके सामने, यहाँ तक कि बिजली खरीद घोटाला जो 2.94 रुपये पे बिजली 25 साल तक का समझौता था अदानी ग्रुप से, उस समझौता उस औद्योगिक घराने ने कैंसिल कर दिया और सरकार 11 रुपये तक की इतनी जो महंगी बिजली लेके उपभोक्ता को देने पे सरकार ने देने का काम किया, तो वो कर्जा चढ़ गया प्रदेश, काम हुआ नहीं, वो किसका पैसा था? सर हादसे यहाँ भी कितने धड़े हैं, अभी किरण चौधरी जी ने कांग्रेस एक किरण चौधरी जी ने ये कहा, इसका जवाब तो कई जो इसका ऐसा है, इसका एक ही जवाब है, आप कितने घुमा घुमा के पूछेंगे, कांग्रेस हमारी एकजुट है, अगर यस कांग्रेस एकजुट है, यदि कहीं अगर आपको गुटबाजी नजर आती है तो भाजपा में नजर आती है, आप उस तरफ भी उठा के देखें क्या कारण आदमपुर चुनाव के अंदर राविंदर जी नहीं आए, क्या आपने पूछा क्या क्या कारण आदमपुर चुनाव में किशन पाल गुर्जर जी नहीं आए, क्या आपने पूछा क्या कारण आदमपुर चुनाव में सांसद अरविंद शर्मा जी नहीं आए, क्या आपने पूछा क्या कारण अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं कि रोहतक के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी 300 करोड़ का गबन करके, क्या आपने पूछा? तो ये सारी बातें हैं, ये गुटबाजी अगर कहीं है तो भाजपा में गुटबाजी है, और अगर आपसे कहीं खींचातानी है महकमा को लेके तो बीजेपी और जेजेपी में महकमा हुआ है। क्या कारण है देवेंद्र बबली जी जो है सुभाष बराला पे जो है एक तरीके से आरोप इनडायरेक्टली आरोप लगाने का काम करते हैं, क्या कारण है उसका आप पता कराइए। सर जोड़ो कार्यक्रम है, फिर 2 अप्रैल को हुड्डा साहब की रैली भी होने जा रही है। देखिए हाथ से हाथ जोड़ कार्यक्रम आज चल ही रहा है, इस हाथ से हाथ जोड़ कार्यक्रम 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के अवसर पर, शुभ अवसर पर कार्यक्रम का हमारा समापन होगा, पहले चरण इस कार्यक्रम के पहले चरण का समापन होगा, सोनीपत में एक सभा करके समापन होगा, और विपक्ष आपके समक्ष भी हमारा एक और कार्यक्रम जो चल रहा लगातार, क्योंकि प्रजातंत्र में अगर सरकार बहरी हो जाए, लोगों की आवाज़ ना सुने, लोगों की आवाज़ को दबाने का कुचलने का काम करे, लाठी की भाषा से लोगों की आवाज़ को कुचलने का काम करे, तो ऐसे में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि लोगों की आवाज़ बनकर सरकार पर दबाव बनाए। आज प्रदेश में व्यापक भ्रष्टाचार एक तरफ, महंगाई बेरोजगारी में देश में नंबर एक पहुंच गया हरियाणा प्रदेश, विकास की पटरी से उतर गया, जिसकी गवाही यमुनानगर की सड़कें दे रही है, जिसकी लड़ाई पूरे प्रदेश की सड़कें दे रही है आप देखिए, तो इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में हम सारे प्रदेश के से संबंधित और यमुनानगर से संबंधित जो सारे स्थानीय मुद्दे उनको बुलंद करने का काम करेंगे, हमारे सारे विधायक और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हुड्डा साहब सारे हम लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। प्रदेश में एकमात्र विपक्ष का मैं सांसद हूँ, ये भी विपक्ष आपके समक्ष है, 14 तो बीजेपी के सत्ता पक्ष के सांसद हैं, 14 वो सांसद हैं, वो कितना वो प्रदेश में सक्रियता से वो बात उठा रहे हैं वो तो आप समझें, लेकिन विपक्ष आपके समक्ष, ये भी हमारा कार्यक्रम है, तो यही हमारा लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो बजट जनसभा के मुख्य अतिथि मेंबर पार्लियामेंट मेंबर राज्यसभा पूर्व मेंबर पार्लियामेंट श्री दीपेंद्र हुड्डा जी,
मैं उनका यहाँ पर आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनके साथ आए हुए बहुत ही कर्मठ और जुझारू विधायक डॉक्टर बीएल सैनी जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व मंत्री डॉक्टर अपने सुभाष चौधरी जी, वो भी स्वागत करता हूँ मैं उनका भी। और हमारे पूर्व डॉक्टर राजन जी, पूर्व मंत्री जी के बेटे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। घर में दो आए तो एक तरीके से एक तनख्वाही आ जाए घर में, ताकि हरियाणा खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। हाथ से हाथ जोड़ो, हर गांव शहर को विकास की रफ्तार से जोड़ो, हर नौजवान को रोजगार से जोड़ो। निजी निवेश भी हो, इन्वेस्टमेंट भी आए, इंडस्ट्री आए, औद्योगिक क्षेत्र लगे। एक भी औद्योगिक क्षेत्र नया नहीं लगा, एक भी थर्मल का कारखाना नया नहीं लगा। बिजली के जो समझौते आपके सामने हैं, बिजली के समझौते जो हमारे समय में, ये छोटा भ्रष्टाचार ये नहीं, 2.94 रुपये अदानी के साथ हमारी सरकार के समय समझौता हुआ। 25 साल तक अदानी को देनी थी 2.94 रुपये हरियाणा को, वो समझौता रद्द कर दिया सरकार को। 11 रुपये के रेट पर बाहर से बिजली लेके उपभोक्ता को देनी पड़ी सरकारी खजाने से। आज जो बात करते हैं कि इतना कर्जा क्यों चढ़ गया हरियाणा पे, 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा क्यों चढ़ गया, 70,000 करोड़ था कर्जा था, वो ये भी सोचना पड़ेगा कि इतने किस व्यापक स्तर पे। और जब अदानी का नाम लो तो संसद भी नहीं चलने देते। मैं 20 साल से संसद का सदस्य हूँ, 20 साल से, शायद मेरी आयु में इतना अवसर देश में शायद किसी को नहीं मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि सत्ता पक्ष ही संसद नहीं चलने दे रहा, ये पिछला एक हफ्ता, क्योंकि उनका जो है नाम ले दिया था, तो क्या भाई उस पर हम कह रहे हैं कि उस पर इंक्वायरी करानी चाहिए कि भाई इंक्वायरी होनी चाहिए। 2.94 रुपये का समझौता हरियाणा से लेकर और पूरे देश में, हर प्रदेश के अंदर इस तरह की बातें हैं कि भाई एक उद्योगपति घराने को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको सहूलियतें देने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं, मगर वो जनता का पैसा है, वो पैसा जनता का है, वो किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं है जो उनको दिया जा रहा है। तो ये भी एक सोचने की विचारने की सारी बातें हैं। तो मैं अंत में एक बार फिर आपको 2 अप्रैल का न्योता देता हूँ, 2 अप्रैल को आप सब पहुंचे वहां पे। बाकी कुछ संकल्प तो यहाँ पे ले दिए, बाकी संकल्प वहां पे भी 2 अप्रैल को। भाई 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को कौन कौन पहुंचेगा एक बार। भगवान साथी, माताएं बहने, आज आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, तो मैं ज्यादा लंबी बात या भाषण की कोई आवश्यकता मैं समझता हूँ नहीं है। आप लोग ऐसे समय में आप और हमें दूसरे से मिल रहे हैं, जब जो मौजूदा सरकार है हरियाणा में, प्रदेश सरकार, उसके 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 1 साल आखिरी साल। प्रजातंत्र में हमारे संविधान के अनुसार 5 साल में चुनाव होते हैं, पहले 4 साल सरकार के माने जाते हैं, आखिरी 1 साल जनता के सोच विचारने के और उसके बाद फैसला लेने का समय आता है। तो आखिरी 1 साल में गाड़ी आ गई, ऐसे समय में आपके बीच में आए हैं और इसीलिए विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम 2 अप्रैल का, जिसकी तैयारी के लिए पूरे यमुनानगर जिले में जा रहे हैं एक जगह, उसका भी उद्देश्य ये है कि प्रजातंत्र में 2 पहलू होते हैं, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। सत्ता पक्ष का काम होता है काम करे, विकास कार्य करे, लोगों के खुशहाली के लिए, महंगाई को कम करे, अच्छी सड़कें बनवाए, इंडस्ट्री लाए, सबका मान सम्मान करे और प्रदेश को, देश को आगे लेके जाए। विपक्ष का काम होता है कि जहां कमी हो वहां लोगों की आवाज अगर नहीं सुनी जाए, अगर सरकार ना सुने, तो लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए सरकार पर दबाव बनाए, लोगों की आवाज बने, ये विपक्ष का काम होता है। इसीलिए ये विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम जो 2 अप्रैल का है, इसमें जो सारी बातें, उन सारी बातों को लेकर कार्यक्रम करेंगे। सरकार पर तक आपकी आवाज पहुंचाने की जो विपक्ष की हमारी जिम्मेदारी है, उसको निभाने का प्रयत्न करेंगे। और ये जो सरकार 9 साल से जो हरियाणा की सत्ता में जो सरकार है, बीजेपी सरकार और बीजेपी जेजेपी सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, जिस सरकार ने आज हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया, जो हरियाणा 2014 से पहले विकास दर में पूरे देश में नंबर 1 था, आज 19वें नंबर पे है और बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।